भागलपुर से हो और अभी बिहार में हो एग्जैक्टली भी? नहीं, सर दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में, अच्छा दिल्ली में। दिल्ली में रहते हो, ग्रेट। जी सर, जी सर, दिल्ली में जा रहे सर। ओके, जी तो अभी तुम्हारा क्या चल रहा है कैरियर में बताओ। सर, अभी तो बस एक जगह पे, छोटी जगह पे जो है बिलिंग में ज्वाइन करा है बस, ताकि वही है कि फाइनेंशियली थोड़ा सा रहता है, तो इस वजह से अभी एक जान पहचान में एक के यहाँ पे ज्वाइन कर रखा है सर, बिलिंग में सर। करेक्ट। जी सर, जी सर, तुम्हारा पास आउट ईयर क्या है? सर 2015 सर। 15 है, और 15 के जी बाद से सर, थोड़ा करियर बताओ अपना, कैसे क्या किया? शुरुआत में तो एक दो साल थोड़ा सा वही है गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में रहे, उसी के साथ साथ एक जगह लैब में जॉब करते थे, एक नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में एक गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी थी, तो वहाँ पे एज एन लैब असिस्टेंट लग गए थे शुरुआत में, लेकिन वहाँ पे करियर सही नहीं रहा, मतलब वही है कुछ थोड़ा सा वहाँ पे वही है ना, यूपी में सर आपको पता ही है कि हाँ, गवर्नमेंट चेंज तो सब चेंज सब सारी, तो चीज़। उससे नौकरी हमारी ख़त्म हो गई, तो काफ़ी टाइम भटकते रहे थोड़ा सा नौकरी के लिए, कहाँ एक कहाँ मिले काफ़ी टाइम, फिर थोड़ा गवर्नमेंट की उसमें भी, फिर एक जगह जाके जो है जॉब करी कुछ टाइम, एनजीओ में जॉब करा 1 साल, एक एनजीओ में एज एन इंस्ट्रक्टर के जॉब करी थी, टीचिंग वीचिंग करते थे वहाँ पे, और फिर हाँ जी सर, फिर उसके बाद, फिर अभी सिविल में कितना करियर किया, एक्चुअली कितना मैंने किया? सर यही लगा लीजिए बस सर 2 से 3 महीने, मतलब कुछ फिक्स नहीं रहा। सिविल में शुरू में लैब में काम किया, लैब में वाटर एक्सपेरिमेंट में, फिर हट गए वहाँ से नौकरी ख़त्म, तो फिर उसके बाद फिर एक जगह दोबारा साइट सुपरविजन में लगे करने का, फिर दोबारा जो है बिलिंग में, इंटीरियर की बिलिंग में आए, फिर एक आर्किटेक्ट के अंडर में करा, जब आर्किटेक्ट के अंडर में करा तो ऑटो कैड ये सब सीखा, अब फिर जब कोरोना आया फिर जॉब ख़त्म हो गई, तो अब यहाँ स्टार्ट किए हैं कोरोना के बाद दोबारा से, ये 2 महीने पहले ही बिलिंग में सर। जी सर, अभी आगे तुम मेरे से क्या हेल्प चाह रहे हो? एक्चुअली आपका 1 साल से फॉलो कर रहा था, तो फॉलो करते करते बस वही सर, एक एक करियर को कैसे एक पाथ दूँ, तो आपकी जब वीडियो देखता था तो वही यही सोचता था कि BIM या स्ट्रक्चर में किसी इसमें एक करियर बना के अपने आप को भी खुद एक सही उस पर रखूँ, थोड़ा इंटरेस्ट जी सर। एक डायरेक्शन में रखो, कैसे हो रहा है कि तुम इधर कभी चले गए, कभी इधर चले गए, कभी इधर चले गए, तुम रास्ता तय ही नहीं कर पाए। जी सर, ठीक, अगर अभी तक में एक रास्ते में गए होते ना, तो तुम बड़ी लंबी यात्रा कर लेते अब तक, ना? जी सर, तो अभी तुम्हें देखना पड़ेगा कि मैं कौन सी यात्रा करूँ। तो जैसे कि जी तुमने ये दोनों लाइन बताया, BIM या स्ट्रक्चर्स, ठीक है, दोनों ही लाइन बेहतर है। अब जी तुम तो सर, इसमें भी डिसाइड करना है कि आज BIM कल स्ट्रक्चर, नहीं, एक रास्ता, नॉट एक इट, रास्ता तो जिससे कि हम जल्दी पहुंच जाए ना वहां पर। ठीक जी है, सर, देखो हमें कैसे करना है कि सबको ही, सबका जॉब का, सबका क्या है माइंडसेट, क्या है कि भाई हमको जॉब करना है, अच्छी सैलरी लेना है, राइट? जी ठीक है, सर, तो इसमें ये तुम्हें देखना पड़ेगा कि एक तरीके से ये हो गया कि भाई सब्जी लेके आना है। अब मार्केट का रास्ते कई ढेर सारे हैं, ठीक है, कोई साइट से जा रहा है, कोई बिलिंग से जा रहा है, कोई एस्टिमेशन से जा रहा है, कोई बीम से जा रहा है, कोई स्ट्रक्चर से जा रहा है, राइट? अब तुम्हें देखना पड़ेगा कि किस रास्ते से मैं जल्दी, और जल्दी से भी कहीं ज़्यादा अच्छे से पहुँच जाऊँगा, राइट? तो अब तुमको ये देखना है कि मेरे को किस चीज़ में, मतलब कि डेफिनेटली तुम्हारा अभी जैसे तुम बिलिंग में जॉब कर रहे हो, ठीक है, तो वहाँ कुछ 20-25 हज़ार के आसपास तक अर्निंग कर पा रहे हो क्या, जहाँ तक मैं गेस कर पा सर 20 ही मिल रहे हैं, वो भी बड़ी मुश्किल से मिलते हैं सर, 20 मिल बस रहे ना? तो डिले थोड़ा डिले हो जाती है सर यहाँ पे, 2-2 महीने के बाद मिलती है देखो, सैलरी मेरा गेस तो सही था ना? जी सर, बिल्कुल सही था तो अभी क्या बोलते हैं, वैसे सैलरी एक्सपोज नहीं करते, बट जस्ट फॉर लाइक, अच्छा है कि आपको, मुझे आइडिया है कि इतना ही मिल रहा होगा। अब देखो कैसे है कि अगर तुमने एक इंडस्ट्री में अब तक में अभी तक के अपने 7 साल लगाए होते ना, तो बहुत हाई पर चले जाते अब तक, गॉट इट? लेकिन कोई बात नहीं, अभी पुराना याद करके उसमें केवल टेंशन होगा, राइट? अभी हम नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट तुम जो कर सकते हो, दो प्रोफाइल में से कोई एक प्रोफाइल चूज करो, एक स्ट्रक्चर या बीम। अब तुम बोलोगे सर इन दोनों में से कैसे चूज करूँ, ठीक है, ठीक है, जी सर, तो इन दोनों में चूज करने का मैं तरीका बताता हूँ, ठीक है। अगर तुमको मैथमेटिक्स टर्म्स दिया जाए कि आज तुमको मैट्रिक्स सॉल्व करना है, ठीक है, या फिर कोई लाइक SFD BMD निकालना है, इस तरीके के कोई टर्म्स दिया जाए, एक काम है। और दूसरा काम दिया जाए कि कुछ क्रिएटिव करना है, ठीक है, कुछ क्रिएटिव मतलब डेकोरेटिव, कुछ मैनेजिंग वाला काम करना है। तो दोनों में से तुम, मतलब कि मैं इसको दूसरे आसान भाषा में बताता हूँ कि मैथ पढ़ने के दूँ और बिल्डिंग मटेरियल पढ़ने के दूँ, तो तुम कौन सा प्रीफर करोगे?
सर एज एन इंजीनियर थोड़ा सा मैं मैथ्स में अपने आप को सही मानता था, तो मैं मैथ्स वाली चीज को ज्यादा प्रीफर करूंगा। ठीक है। हाँ देखो, एज एन इंजीनियर एक अलग थॉट है, ठीक है, लेकिन एज अ पर्सन तुम कौन सा प्रीफर करो कि बहुत सोच समझ के, कैसे है कि वो लॉन्ग टर्म के लिए डिसाइड हो रहा है तुम्हारा, ठीक है। तो ये मत सोचो कि क्या बोलते हैं, अच्छा मैं इंजीनियर हूँ तो मुझे मैथमेटिक्स लाइक होना चाहिए, जरूरी नहीं है, ठीक है। बहुत से लोगों को इंजीनियर होते हुए भी क्या बोलते हैं, बिल्डिंग मटेरियल बहुत अच्छा लगता है। तो तुम श्योर हो कि तुमको थ्योरी से ज़्यादा न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स में अच्छे लगते हैं, राइट? ठीक है, जी सर, तो फिर तुमको स्ट्रक्चर्स में अपने करियर को बनाना चाहिए, स्ट्रक्चर्स में। जी सर, स्ट्रक्चर्स में करियर बनाना चाहिए अपना, सबसे बेस्ट रहेगा। जिसमें तुम ध्यान से अच्छे से तुमको क्या पढ़ना पड़ेगा, ऑटो कैड, स्टेट्रो, आरसीडीसी, ईटेप, सेफ, आरसीडीसी टाइप से ठीक है। ठीक है। इनको पढ़ने के साथ साथ सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि तो सॉफ्टवेयर हो गए, ठीक है, जिसको तुम चाहो तो यूट्यूब से भी पढ़ सकते हो, ठीक है। लेकिन इसके साथ कुछ कॉन्सेप्ट्स भी तुम्हारे क्लियर होने चाहिए, जी ठीक है। सर, कॉन्सेप्ट क्यों? क्योंकि सीधी सीधी बात है कि हम किस चीज के लिए तैयारी कर रहे हैं, स्ट्रक्चर्स के लिए कर रहे हैं। स्ट्रक्चर मतलब फ्रेम, माइंडसेट में यही आएगा ना, फ्रेम। फ्रेम मतलब बीम, कॉलम, फुटिंग, स्लैब, राइट। अब इससे रिलेटेड क्या क्या निकल सकता है, पी जाओ, ठीक है भाई। सर स्टेट्रो तो सीखना है, ऑटोकैड तो सीखना है, ईटेप सेफ ऑटोग्राफ। सीखना है, ठीक है, वो तो फिक्स है, ठीक है। लेकिन उसके साथ ही साथ हम क्या क्या ऐसा रिक्वायर्ड होगा एक बीम, कॉलम, फुटिंग, स्लैब के लिए, बस उसको पी गए तुम्हारा काम हो गया। अब क्या क्या रिक्वायर्ड हो सकता है तुम्हारे लिए, अब रिक्वायर्ड में अगर तुम जाओगे, कॉलम की जितनी प्रॉपर्टीज हो सकती हैं दुनिया में सारी प्रॉपर्टीज निकाल डालो, फुटिंग के जितने टाइप्स हो सकते हैं सारे टाइप्स निकाल डालो कि कौन कौन सी फुटिंग कहाँ कहाँ कैसी कैसी फुटिंग्स रखनी चाहिए, ठीक है। कैसे रेनफोर्समेंट डालेंगे कॉलम में, कैसे रेनफोर्समेंट डालेंगे, कैसे लैपिंग डालेंगे, टाइल्स क्या होती है, कितनी स्पेसिंग्स रखनी चाहिए, सिलेंडरनेस रेशियो के अकॉर्डिंग इसके टाइप्स कितने होते हैं, लोडिंग के अकॉर्डिंग कितने टाइप के कॉलम होते हैं, शेप के अकॉर्डिंग कितने होते हैं, मतलब पूरा एकदम डिटेल में चले जाओ, ठीक है। सेम बीम के लिए, सेम स्लैब के लिए, ठीक है, सारी प्रॉपर्टीज। अब इन फ्रेम्स को कौन डिस्टर्ब करता है, ठीक है, तो इन फ्रेम को कौन डिस्टर्ब करता है, सेस्मिक डिस्टर्ब करता है, विंड डिफरेंट, सिस्मिक एनालिसिस। ठीक जी है, सर, सेस्मिक और विंड ये दोनों क्या करते हैं, इसको परेशान करते हैं ना बिल्डिंग को, ठीक है। तो इनके बिहेवियर सारे सिस्मिक पढ़ डालो, ठीक है, कि ये परेशान करते हैं तो टॉर्जन डेवलप होता है क्या, ट्विस्टिंग होने का चांस रहता है क्या, तो इसके रिलेटेड। क्योंकि अभी तुम्हारा पूरा का पूरा एम होना चाहिए कि हमको स्ट्रक्चर्स में जाना है, क्योंकि तुम्हारा फिक्स है कि तुम भाई तुमको मैथमेटिक्स टर्म अच्छे लगते हैं, ठीक है। तो अब ये तो फिक्स हो गया। अब दूसरी चीज फिक्स क्या हो कि अब देखो ऑटोकैड और स्टेट प्रो के ऊपर भी जॉब लग जाएगी अगर तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। लेकिन कैसा है कि अगर तुम ऑप्शन में अपने आप को पूरी तरीके से, क्योंकि तुम एक जॉब में हो, अब ये समझदारी है कि उस जॉब को छोड़ो मत, ठीक है, उस जॉब के साथ ऑप्शन देखो कि मैं कैसे सीख सकता हूँ अपना ऑटोकैड, स्टेट प्रो, आरसीडीसी, सेफ, मैनुअल डिजाइनिंग, या मैनुअल भी नहीं पढ़ोगे तो भी चलेगा, लेकिन ईटीएफ और सेफ जरूर आना चाहिए। तो तुम क्या होगा, हाई राइज बिल्डिंग में भी डिजाइन मतलब कि तुम अप्लाई करते रह जाओगे कंपनीज में, और जो छोटी बिल्डिंग के डिजाइन कर रही है उनके भी अप्लाई करते रहोगे, और इनको सीख के एक अच्छा सा स्ट्रॉन्ग सा पोर्टफोलियो बनाओ। पोर्टफोलियो क्यों? क्योंकि अगर मेरे पास नजम ने अप्लाई किया आज, मैं कैसे भरोसा कर लूं कि ये बंदा अच्छा होगा, ठीक है। मेरे को कॉन्फिडेंस आना चाहिए ना, मैं तुमको अगर हायर कर रहा हूं अपनी कंपनी के लिए तो मेरे मुझे कॉन्फिडेंस आएगा तुम्हारा काम देख के, गॉट जी इट। बिल्कुल तो सर, काम तुम्हारा दिखेगा मुझे तुम्हारे पोर्टफोलियो में, गॉट इट। तो एक बढ़िया सा स्ट्रक्चर्स का पोर्टफोलियो बनाओ, रिज्यूम बनाओ, और स्टेट प्रो, आरसीडीसी, ईटेप, सेफ का अच्छा नॉलेज, होप सो ऑटोकैड आता होगा, ठीक जी है, ऑटोमेट बेसिक तो आता है सर, इतना बेसिक तो आता है। क्या था आर्किटेक्ट जी हाँ, सर। तो उसमें बेसिक के साथ अब देखो कि अगर तुम्हें ईटेप में अगर एरिया ऑफ एनफोर्समेंट बता दिया, जैसे मैं क्लासेस में देखते बताता हूँ कि भाई अगर ईटेप में एरिया ऑफ एनफोर्समेंट बता दिया, उसके हिसाब से क्या ऑटोकैड में हम डिटेलिंग कर पाएंगे क्या, ये भी हमें आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि भाई सीधी सीधी बात है कि तुम स्ट्रक्चर इंजीनियर बनने जा रहे हो ना, ठीक है। यहाँ खुद से जब पूछ लेना कि नहीं यार, अब मुझे अगर कोई स्टेट में बिल्डिंग दे दिया, डिजाइन कर दूंगा, राइट टाइम है टू लाइक अप्लाई एनीवेयर, ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब तुमको स्ट्रक्ट रहना पड़ेगा। अगर तुम चार पांच लोगों से अलग अलग चीजें पूछोगे तो सब अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताएंगे, ठीक है। मैंने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से नहीं बताया, मैंने तुम्हारा एक्सपीरियंस जो था उसके हिसाब से तुमको बताया। अब तुम बोलोगे कि सर ठीक है, मैं स्ट्रक्चर्स में पोर्टफोलियो बना लूंगा, स्टेट प्रो, आरसीडी से सीख लूंगा, बट जी क्या सर, गारंटी है कि मेरी जॉब लग जाएगी, ठीक है, क्या गारंटी है कि मेरी जॉब लग जाएगी, ऐसा भी तो हो सकता है ना। पता चला 4 महीने तुमने अच्छे से सीखे, 6 महीने लगा के, साल भर लगा दिया, ठीक है, अब इसके बाद क्या गारंटी है कि मुझे सर अपॉर्चुनिटी मिल ही जाएगी, गॉट
गॉट इट। तो इसके लिए तुम्हें कन्विंस करना पड़ेगा अपना पहला कंपनी, सबसे छोटी कंपनी को कन्विंस करना पड़ेगा। छोटी कंपनियों में क्या होता है कि वो उनका बजट कम होता है, ठीक है, तो डेफिनेटली वो सोचते हैं कि सस्ता इंजीनियर हमको मिले, सीधी सीधी बात है, बिल्कुल सर, ठीक यही है, जगह यही करते हैं। एग्जैक्टली। तो जब सस्ता इंजीनियर को देखते हैं तो भाई सस्ता में तो हर तरीके का माल बिकता है, ठीक है, सब आ जाते हैं उसमें। हाँ जी सब आ सर। जाते हैं। अब तुम्हारा क्या होगा, जैसे तुम सस्ते में तुम्हारा टैग लाइन लग गया स्ट्रक्चर इंजीनियर और ये भाई साहब है, ठीक है, ठीक है, तुम्हारी सैलरी हो सकती है 20 से 15 पर आ जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 6 महीने के लिए प्रॉब्लम पेशेंस नहीं रखो। है। अब 6 महीने बाद तुम किसी ब्रांडेड कंपनी में अप्लाई कर दो, क्योंकि सैलरी हमेशा डिपेंड होता है कि तुम्हारा टर्नओवर क्या है, ठीक है, कंपनी का टर्नओवर अगर अच्छा है तो सैलरी तुम्हारी हमेशा अच्छी होगी। तो नेक्स्ट 6 महीने बाद तुम ये फोकस करो कि हम बेस्ट कंपनी में अप्लाई करेंगे, और जैसे ही बेस्ट कंपनी में अप्लाई होता है तो उनका टर्नओवर इतना ज्यादा होता है कि वो पैकेज शरमाते शरमाते भी 30,000 35,000 का पैकेज दे देते हैं, ठीक है। अब क्या हो गया, अब भागना नहीं है, अब इसी में एक्सप्लोर करना है व्हाट नेक्स्ट, है ना। तो इस तरीके से अगर तुम जाओगे तो पक्का है कि तुम्हारा करियर बिल्ड हो जाएगा। अब बताओ तुम्हारा कोई और का डाउट है? सर एक ये सोच रहा था, जैसे आप कह रहे हैं जॉब के साथ, तो जॉब के साथ जो है वही है टाइमिंग मैनेज करना, क्योंकि सर जब मैं आर्किटेक्ट के यहाँ करता था इससे पहले, वहीं सीखा था ऑटोकैड और वहीं से ही आपको फॉलो करना, तो वहाँ तो ऑटोकैड की प्रैक्टिस होती रहती थी, बैठते रहते, लेकिन यहाँ पे कैड पे तो बैठना बहुत ही मतलब हो गया। ये है कि हाँ एक्सेल पे ही बिलिंग विलिंग करते तो एक्सेल पे ही, फिर ये बनी बनाई ड्राइंग्स आती हैं तो पीडीएफ की, उन्हें कैड वाला काम हो ही नहीं पाता, कि जैसे मैं सॉफ्टवेयर की लाइन की तरफ जाऊं प्रैक्टिस करूं या कुछ देखूं तो वो चीज हो ही नहीं पाती है सर। ये क्यों नहीं, है क्यों नहीं हो पाता है कारण? सर कारण क्या, एक तो ऑफिस में ऑटोकैड खोलते भी है तो बस मेजरमेंट देखने के लिए कि यहाँ से यहाँ क्या हम ऑफिस डायमेंशन पे है क्यों क्यों। डिपेंडेंट हैं? हम ऑफिस पे डिपेंडेंट नहीं होने चाहिए ना। ऑफिस हाँ तुम्हारा सर, कितने घंटे का होता है? सर वैसे तो टाइमिंग है सुबह 9:30 से 7 बजे तक, है ना, लेकिन वो ये कि सर आना और जाना मिला के करा के घर पे जब पहुंचता हूँ तो 8:30 ही बज जाते हैं, 9 साढ़े पकड़ आठ लो, हाँ 9 पकड़ लीजिए सर, 9 बजने के बाद तो सर ये लगा लीजिए कि फिर रात का टाइम ऐसे ही गुजर जाता है कि फैमिली और घर में, जबकि मैं अभी मैरिड नहीं हूँ, अभी बस फैमिली है, थोड़ा सा वो ये वर्क प्रेशर है एज का, तो फिर टाइम ऐसे गुजर जाता है पता ही नहीं चलता बिल्कुल, 9 बजे से लेके कब सुबह। तो ये है कि बिल्कुल मैं उसको दे ही नहीं पाता हूँ। देखो कैसे है कि इसको बोलते हैं तपस्या, ये टाइम तुम्हारा जो है ये हार्ड वर्किंग का है, ठीक है। डेफिनेटली तुम सही बोल रहे हो कि अभी टाइम नहीं मिल पाता है, बट एक्चुअली में अगर तुम उसमें भी रिसर्च करोगे ना तो टाइम का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है, रिसर्च अब मिलेगा, ठीक है। तुम चेक करो कि तुम्हारे मोबाइल के तुम्हारे व्हाट्सएप पे तुम्हारा कितना मिनट जा रहा है, ठीक है। मैं कुछ दिन तक स्टेटस नहीं लगाऊंगा ना, कुछ दिन तक मैं क्या बोलते हैं उस पर स्टेटस के अलावा प्रोफाइल फोटो नहीं लगाऊंगा ना, मैं अपना इंस्टाग्राम नहीं चलाऊंगा, ठीक है, नहीं चलाऊंगा। तो जो इनके टाइम में बचेंगे, देखो अभी जब तुम्हारे अंदर एक आ गया कि करना है ना, ठीक है, तुम 9 बजे से लेकर 11 बजे तक 2 घंटा में बैठूंगा, लेकिन इस 2 घंटे में मेरा कोई दोस्त है, ठीक है, ठीक है, एकदम परेशान किया है कि चलो नहीं यार घूमते हैं, चलो यार बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया ये वो, ठीक है, नहीं भाई 4 महीने के लिए नहीं, ठीक है। और जो संडे है उसको हम भूल जाएंगे, इस बार फोकस करेंगे संडे को, संडे के तरीके से नहीं जियेंगे, काम के तरीके से जियेंगे। देखो कैसे होता है कि अगर अभी नहीं करोगे, ठीक है, लॉन्ग टर्म में सोचो कि कितना प्रॉब्लम होगी, बिल्कुल सर, अभी प्रॉब्लम होती आ रही है, क्योंकि होती आ रही है, अगर आप डिले करूंगा तो और आगे पता नहीं कैसी प्रॉब्लम आए, तो सीधे अभी से सीधे ही। कल को तुम मैरिड हो जाओगे, जब जी मैरिड हो सर जाओगे तो फैमिली को टाइम देना अनिवार्य है, ठीक है। बिल्कुल सर, अब उस समय पे तुम्हारे पास तब सही में कह सकते हो कि यार अभी तो मेरे पास सही में ऑप्शन ही नहीं है, पर अभी कैसे है, कभी माता पिता इतने अंडरस्टैंडिंग होते हैं कि उनको सिर्फ एक बार बोल दो कि क्या बोलते हैं, मदर फादर अभी मेरा ऐसा सिचुएशन है, आई वॉन्ट टाइम, ठीक है, पूरी तरीके से सपोर्ट करेंगे, तुम पूरी बात सही से बता दोगे तो, बट इट। तो मैं तुमको बोलूंगा कि सुबह 1 घंटे निकालो और रात को 2 घंटे निकालो, 3 घंटे सुबह 1 घंटा सिर्फ 2 घंटे रात को सुबह से, ठीक है। और उसको करके तुम, मेरे से एक लड़के ने बोला कि क्या बोलते हैं सर मैंने आपका ऑल इन वन का कोर्स ले रखा है स्ट्रक्चर्स का, बट मैं पढ़ नहीं पाता हूँ, ठीक है, मतलब मैं रेगुलर नहीं हो पाता हूँ। तो मैंने उसको एक बहुत अच्छा नियम बताया था, मैंने उसको बोला था कि क्यों रेगुलर नहीं हो पाते हो, बोलता सर क्या बोलते हैं जब ऐप चलाता हूँ, चलने पढ़ाने चलता हूँ तो तब तक दूसरा कोई ऐप का नोटिफिकेशन आ गया, तब तक वहाँ चला जाता हूँ, फिर टाइम ही नहीं मिलता है। मैंने बोला खाना खाते हो? तो बोला हाँ। तो मैंने बोला कि आज से एक नियम बना लो कि रात का खाना तभी खाऊंगा जब एक लेक्चर वॉच करूंगा, मैंने अदरवाइज देखा था वो वीडियो। देखा था, ठीक है। जी सर। अब ये कितना अच्छा रूल है ना,
ठीक है। मैं ना डायरी में डेली लिखता था, पहले लिखता था कि एग्जैक्टली मुझे कल क्या क्या काम करना है, ठीक है। अभी क्या हो गया था, फिर इसके बीच में ऐसा हो गया कि मेरे साथ ऐसा होता था कि सुबह उठा फिर भूल गया, ऐसा भी होने लगा था। फिर स्किप मैंने होने कहा लगा था। हाँ, तो फिर मैंने बोला ऐसा करते हैं, सुबह का बवाली छोड़ते हैं ना, ठीक है। मैं कहा रात का खाना मैं तब खाऊंगा जब मैं लिख लूंगा, ठीक है। मेरा कल का डिसाइड है कि कल मुझे क्या करना है, कल संडे है, फिर मेरा काम डिसाइड है कि मुझे कल क्या करना है। जी सर, BIM का वो है आपका बीआईएम का सेशन। तो वो तो केवल 2 घंटे का पैकेज है ना, जी उसके आगे सर, का भी मैंने टाइम डिसाइड कर रखा है कि व्हाट नेक्स्ट, अच्छा जी सर, ठीक है। तो मतलब कि कैसे है कि इसको कुछ ऐसे बोलते हैं कि लगभग एक, मतलब किसे होता है ना कि अगर मैं तुमको लगभग एक दिन में जो हमको मिलता है, अगर मैं तुमको टाइमिंग दूं कि एक दिन में तुमको 86,400 रुपए दूं, कितना दूं, 86,400 रुपए दूं, ठीक है। और मैं बोलूँ कि इसको तुमको खर्च करना है सही तरीके से, ठीक है, लेकिन इसको खर्च आज रात के 12 बजे के पहले ही कर लेना है, तो तुरंत तुम्हारा दिमाग चलने लगेगा ना कैसे बिल्कुल खर्च चलेगा करूँ कि सर। एग्जैक्टली पूरा पूरा का पूरा यूज करूँ सही तरीके से ना, ठीक है। चलेगा सर, उसमें मैं कुछ टर्म्स कंडीशन डाल सकता हूँ कि डायरेक्ट इतने लाख का सामान नहीं ले लेना है कि खत्म हो जाए, ठीक है, छोटे छोटे हाँ पार्ट में करना है, तुरंत दिमाग लगाओगे ना। बिल्कुल सर, बिल्कुल। लेकिन तुमको पता है ऊपर वाला तुमको डेली 86,400 सेकेंड देता है, डेली 86,400 सेकेंड देता है। देता है। अब इसको हम क्यों नहीं सोचते कि हम इसको जो ये 86,400 सेकेंड एक्चुअली में ये रुपए से भी ज्यादा कीमती का है, बिल्कुल सर, तो हम क्यों नहीं सोचते टाइम कि एग्जैक्टली इस 86,400 को कैसे मैनेज करूं मैं, ठीक है। तो इस 86,400 को मैनेज करने के लिए मैं खाने से पहले उसको मैनेज करता हूं, ठीक है। आई थिंक तुम्हें भी मैनेज करना चाहिए कि हम अब इस 86,400 सेकेंड को डेली कैसे मैनेज करें, ठीक है। और ये हो जाएगा, आई डोंट थिंक कि जैसे मैंने बोला ना 86,400 रुपए दे दूं तो तुम मैनेज कर लोगे कल का खर्चा, ठीक है। तो ऐसे ही समझ लो कि ये भी मिला हुआ है और अब मुझे करना है स्ट्रक्चर्स में, ठीक है। उसके लिए तुम देखो कि तुम्हें बेस्ट कौन समझा रहा है, ठीक है, जिसका बहुत ढेर सारे ऑप्शन है मार्केट में, ठीक है। मैं बोलूंगा ऑनलाइन में जाओ, ठीक है, ऑनलाइन में देखो, क्योंकि ऑनलाइन में तुम्हारा टाइम सेव होगा, ठीक है। आधा घंटा जाना आधा घंटा आना, ये सबसे बड़ी बेवकूफी है आज के टाइम पे अगर इस युग में हम जी रहे हैं तो, ठीक है। इसके जगह बिल्कुल हम सर। टाइम सेव करें, 1 घंटा जो बचा हमारे प्रैक्टिस में डाल दें, गॉट इट। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि यूट्यूब के कुछ प्लेटफॉर्म चूज करो जहां पर सबसे अच्छी फ्री में कंटेंट दे रहे हो, ठीक है, और उनको वॉच करो। वॉच करने का बेनिफिट क्या होता है कि एक बार वॉच किया, ठीक है, मैं बोलता हूँ वीडियो लेक्चर्स के लिए क्यों बोलता हूँ कि वॉच किया नहीं समझ आया फिर से रिपीट कर लिया, ठीक है। अगर मैं एक ऑफलाइन जगह पे हूँ और तुम मेरे से एक बार कुछ पूछोगे मैंने बता दिया, 2 बार पूछोगे मैं बता दिया, तीसरी बार मैं बोलूंगा नजाम यार यहाँ पर और लोग भी है ना, यही बोलना पड़ेगा ना मुझे, ठीक है। हाँ लेकिन ऑफलाइन में जी सर आप कह देते हैं, या फिर वो बंदा उसको ध्यान ही नहीं देगा, वो नजरअंदाज कर देगा। अगर 1% पर अंदाज नहीं करेगा वो तो सारे लोगों की तरफ से कंप्लेन हो जाएगी ना, ठीक। उसको अपनी नौकरी भी तो सेव करनी है, जी सर। ठीक है, उसको 10-12 हज़ार 15,000 20,000 कुछ नौकरी में पैसे मिलते होंगे, तो उसको कंप्लेन नहीं चाहिए ना कि कोई जाके कंप्लेन ना कर दे, ठीक। तो बेटर फॉर यू कि आप एक अच्छा प्लेटफॉर्म चूज करो, स्ट्रक्चर्स का फुल गाइडेंस 3 घंटे निकालो, जिसमें से मैं बोलूंगा 1.5 घंटे वॉच करो, 1.5 घंटे प्रैक्टिस करो, 1.5 घंटे वॉच करूं, 1.5 घंटे प्रैक्टिस प्रैक्टिस करो, करूं। ठीक है। ऐसा अगर तुम करने लगे तो तुम्हारे अंदर ना एक हो जाएगा, अंदर क्यूरियोसिटी हो जाएगी, चल थोड़ा और आज निकालता हूँ, आज थोड़ा और निकालता हूँ। मेरा एक दोस्त है, मैंने उसको शेयर मार्केट के बारे में बताया, थोड़ा सा गाइड किया, तो उसने उस बहुत मतलब कि वो सोचा कि अरे बड़ा रिस्की काम है ये वो, तो उसने केवल 15 से 20 रुपए का एक शेयर लिया, जोमेटो का, नहीं सॉरी कौन सी कोई कंपनी थी उसका, कुछ 20-25 रुपए का शेयर लिया से। तो अच्छा उसको सर, कैसे हो गया, मैंने उसको मैंने बोला यही ले ले तू, हैबिट करवाना था मुझे उसको, उसने एक हाँ लिया। फिर उसके बाद शेयर कैसे लिया। हुआ, उसको लगा यार इसमें 1 रुपए तो बढ़ रहे हैं, ठीक है। उसने फिर बाद में क्या किया, 500 रुपए की 650 रुपए कुछ का शेयर कुछ और डाला, ठीक है। और उसके बाद फिर उसको धीरे पच्चीस रुपए से धीरे सीधा 500 रुपए का 500 रुपए, ठीक। अब उसको कैसे लगने लगा यार मेरा पैसा तो इधर ही है ना, बढ़ रहा है, ठीक है, मेरे सेविंग अकाउंट में क्या कर रहा था बैठा था ये, ठीक है, अब क्या हुआ बढ़ रहा है। मतलब कैसे हुआ कि मैं तुमको क्या बोलो, 3 घंटे प्रयास करो, ऑटोमेटिक हाँ तुम्हें हाँ लगने लगेगा कि अब और बढ़ा सकते हैं क्या, और बढ़ा सकते हैं क्या, हमने 25 से सीधा 500 पे। एग्जैक्टली। तो तुम अपने क्लासेस के टाइम को कल हो सकता है 3 3 घंटे की जगह पे सैटरडे संडे को 6-7 घंटे का कवरेज कर लूं, ठीक सर है। इसीलिए एक चीज और सोच रहा था हाँ कि बोलो, अभी जैसे बिलिंग मैंने, तो मैं ये सोचा था कि ऑटो कैट को थोड़े दो अगर टाइम मिलता है ऑटो कैट सही करके, कि एक ऑटो कैट के बेस पे जॉब कर ली जाए, है करेक्ट, ना, ताकि, क्योंकि कैट की बेस में जॉब यह रहता है कि इस चीज को मैं फिर ज्यादा टाइम दे सकता हूँ, चाहे भले ही कम सैलरी मिले मुझे, करेक्ट, नॉट
बट यह है कि रेगुलर चलता रहेगा, क्योंकि अगर कैड पे मैं आ गया, कैड की जॉब पे आ गया, कैड या कैड विद स्टैट प्रो या कैड विद रिविट वाली जॉब मिल गई मुझे, क्योंकि कैड इतना मुझे आता है कि शायद मैं थोड़ा और अच्छा सा कर लूँ तो कैड की शायद जॉब पकड़ सकता हूँ, है ना। तो उसके साथ साथ यह है कि कैड कैड के साथ अब फिर, क्योंकि सॉफ्टवेयर वाली जगह पर तो जितने ज्यादा सॉफ्टवेयर करो उतना बराबर ज्यादा अच्छा, तो ये बराबर, एक सोचा है मैंने। क्योंकि बहुत बढ़िया। बिलिंग में नहीं कर पाऊंगा सर, क्योंकि बिलिंग में अगर स्क्रीन है और पीछे बॉस या सीनियर आ गया वो ये देखेगा कि स्टैट प्रो खोल लगा, अबे इसका क्या काम है बिलिंग वाले का स्टैट प्रो पे काम, वो ज्यादा ज्यादा तो कैट देखेगा या एक्सेल देखेगा मेरा। मैं कंपनी में करने को बोल ही नहीं रहा ना, इसको आप घर पे करिए, ठीक है, घर पे करिए। एक्चुअली घर में ना क्या होता है, घर में सबके टाइम होता है, ठीक है, बिलीव करो सबके घर में टाइम होता है। स्टेटस मैंने बताया ना अभी तुमको, तो बताया कि स्टेटस इंस्टाग्राम ये सब फालतू की जितनी चीजें हैं ना, तुमको पता है मैं जी अपना इंस्टाग्राम खुद से हैंडल नहीं करता हूँ। क्यों? अच्छा सर, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरा टाइम वहां पर वेस्ट चला जाएगा। मैं तो इंस्टाग्राम भी इसलिए डाउनलोड किया था सर, आप आ रहे थे ना इंस्टाग्राम पे, मैं सिर्फ मैं लाइव तो आता यूज भी हूँ, नहीं करता था, मैं मैं तो यूज सिर्फ, भी नहीं करता था, इसी आपकी वजह से डाउनलोड किया था मैंने ठीक है, मतलब इंस्टाग्राम। मैंने आदत खराब कर दिया। नहीं, मैं एक सिर्फ लाइव आता हूँ, ठीक है, और उसके अलावा बहुत जनरली होता है कि मैं इंस्टाग्राम पर आऊँ, ठीक है, और क्योंकि मुझे लगता है कि हम वहाँ पर जितना हमारा टाइम जाएगा उस टाइम में हम दूसरा काम कर लेंगे, बिल्कुल सर, बिल्कुल। ठीक है। तो मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ कि बुरा है वो, उसमें बहुत सी चीज़ें अच्छी भी कर सकते हैं, बट कैसे है कि सबका अपना टाइम प्रायोरिटी है ना। मेरा टाइम प्रायोरिटी कुछ और हो सकता है, कुछ बड़ा करने को हो सकता है, ठीक है, बिल्कुल वो भी सर, बड़ा बिल्कुल है सर। लेकिन उससे भी बड़ा हो सकता है ना। तो कोशिश करो कि इस तरीके से तुम ऑटोकैड में अगर जॉब ले ले तो अच्छा है, लेकिन जब तक तुम ऑटोकैड परफेक्ट करोगे थोड़ा और स्टैट भी कर लो, तो और डायरेक्ट हाँ ऑटोकैड और सर, स्टैट दोनों को मिक्स करके जॉब पे जाओ, बिल्कुल सर। ठीक है। कैसे है कि अभी तुम्हारे पास 20,000 आ रहा है, एटलीस्ट तुम्हारे पास खाने का टेंशन नहीं है, ठीक है, प्लस काम तो रट गया है कि भाई बिलिंग में करना क्या है, रोज तो वही करना है, ठीक है, तो तुम्हारा हैटिक नहीं है, ठीक है। नए काम में जाओगे तो कुछ दिन के लिए हैटिक शेड्यूल होता है, ठीक है, तुमको पता होगा नए जॉब में कम से कम 2-3 महीने सीखने को लगता है, राइट। तो बेटर है कि पहले ऑटो कैड और स्टैट प्रो को जल्दी से खत्म कर लो और इसके बेस पे जॉब लो और पोर्टफोलियो हाँ वगैरह बना सर, के, और फिर उसके जी बाद सर, कैसे कोई स्ट्रक्चर की कंपनी में ही लग गए, अब हाँ टेंशन सर, खत्म, अब धीरे धीरे चलते रहेंगे। हाँ वही वही, एक एक गाड़ी है और एक इंटरेस्ट, वही चलता रहेगा। फिर एग्जैक्टली ये सोचता हूँ कि कम से कम ये है, अगर वहां काम भी करूंगा तो काम काम की तरह नहीं लगेगा फिर एग्जैक्टली वो। हाँ, बिलिंग में ये वो बोझ लगता है, क्योंकि बहुत फिर सर लगता है। दो चीज है, एक जगह एक स्टेटमेंट पढ़ा था, अगर आप सोचो कुछ और दिल में कुछ है तो दिल दिमाग की लड़ाई होती रहेगी, आप डिस्टर्ब रहोगे। जी एग्जैक्टली ठीक है। सर, तो जो जिस काम को हम पसंद करते हैं उस काम को करने का जो एक मजा होता है ना, वो अलग लेवल का होता है, ठीक है। जी सर, अभी रात के 9 बज रहे हैं, बट देखो मेरे चेहरे पे एकदम फुल एनर्जी है, ठीक बिल्कुल है, सर, ठीक है, बिल्कुल क्यों? क्योंकि मुझे एक काम में मजा आ रहा है, ठीक है। तो तुम्हें जब स्ट्रक्चर में मजा आ जाएगा तो डेफिनेटली तुम्हारे साथ भी सेम हो जाएगा, बिल्कुल सर, बस राइट। ऊपर वाला करते हो जाए इंशाल्लाह। देखो ऊपर वाला तब करेगा जब हम अपने तरफ से आगे बढ़ेंगे, जी सर, वो तो बिल्कुल तैयार सर, है, वो तो कर रहा है कि भाई, वो तो यही बोला है ना कि जितना पढ़ोगे उतना दूंगा, वो तो यही बोलता है ना कि भाई जी जितना तुम सर, मेहनत करोगे उतना मैं दूंगा, तो वो तो वेट कर रहा है कि तुम करो तो सही है, मैं तुम्हें कैच करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन जब वो ये थोड़ी बोलेगा कि भाई नहीं, तुम कुछ मत करो, मैं उठा दूंगा, पहुंचा दूंगा, नहीं, वो बोलता है कि आप करो, मुझे अगर लगता है कि नहीं ये राइट पर्सन है, उठाओ, चलो पहुंचा देता उसको, है ना। जी सर, तो कर्मों का ही फल मिलता है, तो डेफिनेटली उसको अच्छे से करो। जी चलो, सर, होप समझ में आया होगा तुमको कि किस तरीके से हम स्ट्रक्चर्स में कर सकते हैं। जी सिर्फ सर, ऑटोकैड पे, स्टैट प्रो पे और आरसीडीसी ईटीएफ सेफ पर फोकस करो, तुम्हारा करियर ब्राइट हो जाएगा, ठीक है। जी अभी सर, मत सोचो बीम, देखो मैं बोल सकता था तुम्हें बीम भी ना, मैं खुद ही मना कर रहा हूँ कि बीम के बारे में मत सोचो, क्योंकि फिर वो ना वही होगा कि ट्रैक चेंज किया, फिर इधर आया, इधर क्यों जाना जब हमें एक रास्ता मिले। कई बार देखता हूँ कि जैसे जॉब सर्च करता हूँ, जैसे ऐप पे अपना ऐप या वर्क इंडिया, आपने बताया, तो उन पे कई बार देखा ना, स्ट्रक्चर की जॉब कम होती है, ऑटोकैड प्लस रिवेट या 3D मॉडलर इन सब की जॉब ज्यादा होती हैं। तो करेक्ट, वही अगर स्ट्रक्चर में भी जाऊं तो इनके लिए जॉब को पकड़ना कम लेवल पे, तो थोड़ा थोड़ा ये सोचता हूँ, क्योंकि ऑटोकैड के साथ अगर करता हूँ तो ऑटोकैड वाली ज्यादातर, जितनी मैंने दो जगह जॉब करी है, एक फर्नीचर इंडस्ट्री में करी थी और एक आर्किटेक्ट के यहाँ, लेकिन थोड़ा बेसिक जुड़ती है आर्किटेक्चर लाइन से ही, ये था। अगर स्ट्रक्चर में जाता हूँ तो उसकी जॉब सर्च करना वो कैसे है सर? देखो तो इसमें एक चीज़ होती है कि जैसे कि जो जो स्ट्रक्चर्स की ओपनिंग होती है वो कम क्यों दिखती है, उसका रीजन समझो, ठीक है। जो लोग ऑटो कैड के बेस पे एंट्री करते हैं उस कंपनी में, ठीक है, जनरली उनका फोकस होता है कि अब ऑटो कैड तो यहाँ पर सीख चुके हैं, नेक्स्ट गो फॉर स्टैट, ठीक है, तो उसको बोलते हैं इंटरनल सिलेक्शन। तो इंटरनल सिलेक्शन, मैक्सिमम सीट जो होती है वो इंटरनल सिलेक्शन से भर जाती हैं।
अब प्रॉब्लम क्या होती है कि हम सब सोचते हैं कि डायरेक्ट हमको स्टेट पे मिल जाए, ठीक है, मैं ये नहीं कहता मिलती नहीं है, बट इसके जो चांसेस होते हैं कम होते, ठीक जी है। सर। तो तुम्हें वो कंपनी ऑटोकैड के बेस पे सर्च करो, नो डाउट। बस ये देखो कि ये जो कंपनी है किस फील्ड से रिलेटेड है। जैसे हमने बोला अच्छा। फर्नीचर, अब तुम समझ जाओ कि फर्नीचर में स्ट्रक्चर का कोई काम नहीं है, नहीं है सर। ठीक है। तो तुम्हें ये सोचना चाहिए कि ये जो कंपनी है क्या इसका जो बेस है, जो बैकग्राउंड है, क्या वो स्ट्रक्चर से रिलेटेड है क्या। अगर है तो तुम ऑटोकैड के बेस पे चले जाओ, वहां जैसे तुम परफॉर्म अच्छा करते हो डेफिनेटली दे आर गोइंग टू शिफ्ट यू इन स्टैट प्रो, और फिर धीरे धीरे तुम्हारा करियर स्टार्ट हो जाएगा। इंटरनल सिलेक्शन होता है वो, इंटरनल सिलेक्शन, ठीक है। अच्छा तो डायरेक्ट ये स्टैट होता प्रो पे ओपनिंग्स का किन्ना कम हो जाता है, प्लस इसमें है। स्ट्रक्चर्स पे जल्दी जल्दी लोग जॉब चेंज नहीं करते, क्योंकि वहां पे इतना कुछ सीखने को होता है ना कि लोग सोचते हैं कितना डीप चला जाऊं, ठीक है। तो थोड़ा सा लॉन्ग स्पैन खेलते हैं लोग, इसलिए नंबर ऑफ ओपनिंग्स कम दिखती हैं। जी सर वही। तो इसलिए ऑटोकैड के बेस पर सर्च करो, बट ऑटोकैड सर्च करो ऑटोकैड स्ट्रक्चरल, ठीक है, या फिर ऐसे से स्ट्रक्चरल ड्राफ्टिंग, ठीक है, ऐसे जॉब सर्च करोगे तो स्ट्रक्चर अच्छा मिल जाएगा। ड्राफ्टिंग, हाँ, ऐसे जॉब्स जरूर मिल जाएंगे तुमको। अच्छा, स्ट्रक्चर ड्राफ्टिंग में करूँ। ठीक यस, ठीक है, सर, थैंक चलो ठीक है। विश ऑल द वेरी बेस्ट, होप बहुत जल्दी तुम यू अच्छे से सर। सक्सेस पाओगे। सक्सेस पाओगे तो फिर से एक बार तुम्हारे साथ ऐसे ही मॉक इंटरव्यू करेंगे, और फिर तुम अपना एक्सपीरियंस शेयर करना, और मैं इंतजार करूंगा, जल्दी से जल्दी करना, ठीक है। जी सर, बिल्कुल सर, थैंक चलो यू सर, ठीक, थैंक ओके ओके यू सर। ओके।